अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। फ्राइडे के दिन ना यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, मतलब सुबह से ना इतना कोई बारिश नहीं थी, मगर जैसे ही यहाँ पर असर का टाइम होने लगा और बहुत बारिश होने लगी। और इतनी कोई सर्दी है ना यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोगों के वहाँ पर कैसा मौसम है, आप जहाँ पर रहते हैं सर्दियाँ है या फिर मतलब नॉर्मल मौसम चल रहा है आपके यहाँ? यहाँ पर तो बहुत सर्दी हो रही है। वड़ा तो मैं बना रही हूँ, मगर इसका असली मज़ा आता है पाव के साथ, जो कि यहाँ पर नहीं मिलता है। उसकी जगह हम क्या लाते हैं, यहाँ पर एक ब्रेड मिलता है जिसे सामोली कहते हैं। उससे ना हम मतलब वड़े को इंजॉय करते हैं और वो थोड़ा सा ना नमकीन होता है, तो फिर मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ना अच्छा लगता है। वरना अगर आप ब्रेड वगैरह से खाओगे ना तो वो फिर मज़ा नहीं आता है। ब्रेड थोड़ी सी यहाँ पर ना मीठी मिलती है तो उसका मज़ा नहीं आता है। इसका असली मज़ा पाव के साथ आता है, मगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर जो है ना काम चलाने के लिए हम जो है वो सामोली लेकर आते हैं और उसी के साथ ना इसको इंजॉय करते हैं। इंडिया की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मिस करते हैं, नहीं मिलती है। पाव हो गया, और हमारे वहाँ पर जो कड़क वाले पाव आते हैं ना, बुरुन पाव, वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती है, जो कि इंडिया में बहुत आसानी से बेकरी वगैरह में मिल जाती है। और ये थर्सडे के दिन का ना रात का खाना है हमारा, वड़ा पाव हरी मिर्च एकदम मुंबई स्टाइल में। खाना वगैरह हमने खा लिया और फिर हम आए थे लुलू हाइपर मार्केट, थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। और ये देखिए यहाँ पर ना बहुत खूबसूरत लग रहा था, ऐसे लग रहा था स्नो गिरी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना क्लिप बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये टमाटर कितने खूबसूरत और कितने प्यारे ऑफ़र में लगे थे, तो मैंने ना ये टमाटरों को भी ले लिया। और ये देखिए यहाँ पर ना लुलू हाइपर मार्केट में ना अब वीगन मोज़रेला चीज़ भी मिलने लगी है, मतलब वीगन चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी मिल रही हैं। पहले ऐसे सारी चीज़ें ना नहीं देखने को मिलती थी, मगर अब आसानी से मिल रही है। वो मैं आपको क्यों बता रही थी, आज हम बनाएंगे वीगन ब्रेकफास्ट। काफ़ी फैशन में है आजकल वीगन फूड, तो मैंने सोचा चलिए आज वीगन ब्रेकफास्ट करते हैं। और मैं खुद ना सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाएंगे, हस्बैंड भी नहीं खाएंगे, तो क्या होता है ज़रा फैशन में, तो मैंने सोचा चलिए बना देते हैं आज वीगन ब्रेकफास्ट। तो आपके भी साथ शेयर कर लेती हूँ रेसिपी। यहाँ पर एक मतलब एक नहीं था आधा एवोकाडो पर हमने थोड़ा सा लेमन, काली मिर्च और थोड़ा सा जो है ना वो नमक डाल दिया, और हमने एक ब्रेड के स्लाइस पर इसे मतलब ना स्प्रेड कर देना है। अब वीगन है तो हम इसके ऊपर जो है वो मेयोनीज वगैरह नहीं ऐड कर सकते हैं, एकदम 100% वीगन सैंडविच बनाएंगे हम। तो उसके लिए ना सारी जो बेल पेपर है ना उसको मैंने थोड़ा सा ग्रिल कर लिया। यहाँ पर चेरी टमाटर, थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया, और एक ना हमने बैगन के स्लाइस को फ्राई कर लिया, उसे हमने इसके ऊपर रख देना है। यहाँ पर ना हमने मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड ली है, और आपने ना कोई भी सैंडविच पेपर लेना है और उससे ना आपने रैप कर देना है, एकदम हम बना रहे हैं ना आज कैफ़े स्टाइल। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से ना इसे रैप कर देना है आपने, और बीच से ना आपने इसे कट कर देना है। आप चाहे तो ब्रेड को ना पहले हल्का सा ना ऑलिव ऑयल से अच्छे से टोस्ट भी कर सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। और यहाँ पर जी मेरा गला है ना काफ़ी ख़राब है, तो मैं पीऊँगी जोशिंदा, ना ही कॉफ़ी और चाय मैं नहीं पीती हूँ, इसलिए ना आज सुबह सुबह ही मैं जोशिंदा पीऊँगी ताकि मेरी आवाज़ जो है ना वो ठीक हो जाए। और यहाँ पर देखिए जी हमारा वीगन ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं जी लंच की तरफ। तो आज ना मैं सिंपल सा लंच बनाऊंगी, क्योंकि सर्दी है ना तो बिल्कुल भी आपका ना दिल नहीं करता है कि आप किचन में जाओ ठंडे ठंडे पानी में ना काम करो। वैसे ठंडा पानी नहीं, हीटर ऑन है तो गर्म पानी ही आता है, मगर क्या होता है कि आपका ना बार बार किचन में जाने को थोड़ा सा दिल नहीं करता है। यहाँ पर ना हम बना रहे हैं सब्ज़ी, उसके लिए एक प्याज लिया, 1 टीस्पून लहसुन, और 1 टीस्पून हमने लिया ज़ीरा, एक लाल मिर्च और एक हरी मिर्च। अब बताइए मुझे ये सब्ज़ी को क्या कहते हैं, मुझे ना इसका नाम नहीं पता है, मगर खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जब मैं इसे बना रही थी ना इसकी खुशबू कुछ इस तरीके से आ रही थी मूली जैसी, तो मुझे लग रहा था ये कोई मूली की ही फैमिली की चीज़ है, मगर क्या नाम है मुझे नहीं पता। आपको अगर नाम पता है ना तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसे क्या कहते हैं। हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया, बस ये इतने ही मसालों में ना काफ़ी टेस्टी बनती है, और इसे ना कीमे के साथ भी बनाते हैं। नाम मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे नहीं पता। और अगर जब मैंने लुलू से लाई थी ना तब इसका नाम था, पर मैंने ना देखा नहीं,
तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मुझे बताइएगा क्या कहते हैं। और यहाँ पर जी मैंने बनाया है चने मसाले, उसके साथ ना मैंने आज बनाए पापड़। आज कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि खाने में मुझे क्या बनाना है। इस वक्त भी मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब है, इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करूँगी। और ये देखिए आज ना मैंने एकदम गाढ़ा वाला है ना चना मसाला बनाया है, उसके साथ दही है, सब्ज़ी है, पापड़ है, रोटी है, यही हमारा आज का लंच है, बहुत डिलीशियस है। और फिर ना शाम के वक्त ना हम आए थे यहाँ पर फैमिली कॉर्नर, बहुत बारिश हो रही थी। हम जब निकलकर आधे रास्ते में आए ना तब हमें एहसास हुआ काफ़ी बारिश है, और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ गए फैमिली कॉर्नर, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। और ये मैं आपको ना प्रेशर कुकर बता रही हूँ, इसमें ना खप्सा बनाया जाता है। और ये देखिए कितना बड़ा था, और इसका प्राइस था 500 रियाल, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव था, मगर ना चीज़ भी इतनी बड़ी है, इसमें ना कम से कम 10 किलो तक तो बन जाएगा खप्सा। और यहाँ पर देखिए ये ना सारे नए कलेक्शन आए थे, कितने खूबसूरत है, ये देखिए ये कप बहुत प्यारा है, 19 रियाल का। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया इसलिए क्योंकि मैंने ना बहुत बार ये शेयर कर चुकी हूँ। नई चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, जो जो नई चीज़ें आई है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है, इसमें जलाते हैं ऊद, और इसकी प्राइस ना 24 रियाल है। और यहाँ पर देखिए ये सारे ना शो पीस है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मगर इस वक्त ना 60% डिस्काउंट में है, बहुत खूबसूरत लग रही थी सारी चीज़ें। यहाँ से हम जाएंगे घर, घर जाकर मैं बनाऊंगी खाना, बच्चों को खिलाएंगे, और फिर ना इनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई करानी है क्योंकि फिर से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, मतलब अभी ख़त्म हुआ था फिर से शुरू, यही बस चलता रहता है ना। तो मैंने क्या बनाया है खाने में, घर आकर फिर मैंने बनाया था मटर पुलाव, इसके साथ भुना हुआ गोश्त और लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। इससे हम खाना एंजॉय करेंगे और वीडियो एडिट करूँगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको कल मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।